अनदर डे ऑफ टूर। आज का जो हमारा प्लान है वो भंडर वैली है, और उसके बाद जो है कि हम लोगों ने आगे मूव करना है टूवर्ड्स गिलगित। गिलगित यहाँ से तकरीबन 4-4.5 घंटे का रास्ता है, तो उम्मीद है कि हम आज के दिन में इसको कवर कर लेंगे, अगर तो बकर की तबीयत ठीक रही, वरना हम लोग इंशाल्लाह एक दिन और स्टे करके फिर गिलगित पहुँचेंगे। अभी हम लोगों ने एसकॉम की सिम का पता करना है, एक नाश्ते का सामान लेना है, दो और भंडर घूमना है, तीन और आगे निकलना है, चार और गिलगित पहुंचना है, पांच काम है भाई आज के दिन पे। सो रेडी होते हैं, बाइक पे सामान रखते हैं और अपना सफ़र आगे का शुरू। यहाँ के नज़ारे बड़े कमाल, बहुत खूबसूरत है, मज़े की जगह। खूबसूरत है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कुछ अंदाज़ा तक नहीं लगाया जा सकता। भंडर वैली की अगर बात की जाए तो गिजर डिस्ट्रिक्ट गिजर, जो कि गिलगित से तकरीबन 4-5 घंटे का रास्ता है, बाय रोड आपको भंडर वैली तक पहुंचाता है। वैसे इतना लंबा रास्ता नहीं होना चाहिए भंडर वैली का, लेकिन अभी जो है रोड पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, और थ्रू आउट जब से मैं चित्राल से चला हूँ अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही मिल रही है, और अभी तक क्लियर रोड मुझे नहीं मिला। सुनने में आ रहा है कि जैसे मैं गिलगित पहुंचूंगा तो उसके बाद फिर आगे ऑनवर्ड जो है मुझे क्लियर रोड, कारपेटेड रोड मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ये है कि यहाँ पे मुझे कोई भी अभी तक क्लियर रोड नहीं मिला। बिल्कुल पार्ट्स होते हैं रोड के, टूटे फूटे और ख़राब रोड हैं, तो इस वजह से आपको तकरीबन 5-6 घंटे भी लग सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट खिजर में घूमने वाली जगह और बहुत ही खूबसूरत जो वैलीज हैं उनमें से सबसे टॉप पे यासीन वैली आती है, भंडर वैली आती है। ये दो वैलीज बहुत ही खूबसूरत हैं और इनके साथ कुछ लेक्स भी होती हैं, और ये भंडर वैली का जो व्यू है ना, रोड के साथ आप चलते हैं और आपको साथ दरिया चल रहा है और कमाल के नज़ारे नज़र आते हैं। मैं कहता हूँ कि अखीर ही हो गया। भंडर वैली पहुँचने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि अभी तक जो मैं चित्राल में घूमा और उन जगहों पे गया था, गर्म चश्मा वगैरह, तो वहाँ वो भी अच्छी जगह थी, लेकिन बनिस्बत इस भंडर वैली के उनमें खूबसूरती थोड़ी कम थी। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वो खूबसूरत नहीं थी, इंसान को हर एक जगह विज़िट करनी चाहिए, हर जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन अगर रेटिंग की जाए तो मुझे भंडर वैली और डिस्ट्रिक्ट गिजर जो है गिलगित का, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा है बनिस्बत चित्राल के, डिस्ट्रिक्ट चित्राल के। और ये शायद कहीं हद तक इसमें शायद सच्चाई भी है, और आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि इसमें कितनी हद तक, कहाँ तक सच्चाई है। ये भाई लोग जो है ना, हम लोगों को मिले हैं उधर होटल में, और ये हमारे साथ साथ ही आ रहे थे गाड़ी पे, तो बकर को हमने इनकी गाड़ी में बिठा दिया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा स्टे के लिए रुके हैं, फ़िशिंग कर रहे हैं। ये भाई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है फ़िशिंग में। शान भाई, पकड़ी मछली आपने? सर आ रही है, बस उम्मीद है 1-2 मिनट में आ के भी ओए भागी है भागी है यार, मछली मेरी फ्लाई लेके शॉर्ट हो गई, बच गया बच गया। आएगी जी आएगी, हिम्मत नहीं हारनी है। चाय बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि गिजर में सिर्फ एक स्पेसिफिकली भंडर वैली ही बहुत खूबसूरत है, गिजर का पूरा एरिया, पूरा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि हर 1 किलोमीटर के बाद एक छोटी सी वैली आती है, और वो इतनी खूबसूरत और इतनी आई कैचिंग होती है कि आपको वहाँ रुक के थोड़ी देर स्टे करना पड़ जाता है, और आप रुकते रुकते थक जाते हैं, लेकिन देखते देखते नहीं थकेंगे। आई प्रोमिस यू हैव टू विजिट। हुंजा का मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं हुंजा की तरफ मूव अभी करना है मैंने अपकमिंग डेज में, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गिजर इज मोर ब्यूटीफुल देन होंजा, आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है रास्तों के और हर वैली में।
कितना दूर होगा? डेढ़ घंटे। डेढ़ घंटा, ढाई से घंटा। चलें ठीक है। रास्ते में नहीं चलता है ना? हाँ रास्ते में नहीं चलेगा। हाँ चलें ठीक है। ठीक है सिम यहाँ से हमें नहीं मिली, बारिश हो रही थी, हम लोगों ने स्टे किया है थोड़ी देर, चाय शाय पी है यहाँ पे और खाना वगैरह खाया। अब आगे हम गाकूच के लिए निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सिम अवेलेबल नहीं है। सिम अवेलेबल है बट लिंक इनका जो है वो टोटली डाउन जा रहा है, तो उम्मीद है कि आगे जाके मिल जाए। तो वैसे भी निकलते हैं। वैसे पंडर वैली से निकल के हम लोगों का सीधा सीधा यह प्लान था कि हम लोग आज के दिन में गिलगित को रीच करेंगे और गिलगित पहुंचेंगे, लेकिन अबूबकर की तबीयत ख़राब होने के बावजूद और बहुत ज़्यादा बारिश होने के बावजूद हम लोग जो हैं वो गिलगित आज के दिन में नहीं पहुंच सकते। आज के दिन में हमें एक मेन सिटी है गिलगित से पहले तकरीबन 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली पहले आती है, जिस वैली का नाम गाकूच है। मुझे लगता है कि वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। और ये जो दोस्त मुझे साथ मिले हैं हमें फंडर से, जो हमारे दोस्त हैं, ये इनके जानने वाले यहाँ था भाई, इनके वहाँ पे रिलेटिव्स भी रहते हैं। तो हम लोगों का अब ये प्लान है, बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से और शाम हो चुकी है, हमें वेट भी करना पड़ा, रुकते रुकते आए हैं, तो इस वजह से अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग गाकूच में जाके एक दिन का स्टे करेंगे। नाइट को हम गाकूच में स्टे करेंगे और फिर हम अगले दिन जो है वो गिलगित मूव करेंगे। ये हम लोग अभी जो है वो आता भाई के चाचू के घर पहुंच चुके हैं। और बात की जाए तो इस ग्रुप की, तो आता भाई, हसान भाई, ये वो ऐसे दोस्त हैं जो मुझे ऐसे लगा कि सिर्फ ये मुझे मिले आज के दिन में, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि हम कोई बहुत पुराने दोस्त हैं और हम इतनी जल्दी क्लोज़ हो गए। डेफिनेटली दे आर मोर लविंग एंड मोर केयरिंग और इन्होंने हमारी हेल्प भी बहुत ज़्यादा की और उन्होंने हमें बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होने दिया कि शायद हम आज मिले हैं। और थोड़ा सा वो झिझक होती है दोस्तों में, बिल्कुल भी ऐसे नहीं, ऐसे लग रहा था कि हम बहुत ही पुराने और बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आज के बाद इंशाल्लाह ऐसे ही रहेंगे। और मैं एक ये बात कहूँ कि दोस्ती अगर देखी है तो मैंने इनकी देखी है और निभाना देखा है तो मैंने इनको दोस्ती निभाना देखा है। थैंक यू सो मच एवरी वन। दोबारा आने इंशाल्लाह। जो भी खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या प्लान करना है।